नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची से 1350 राम भक्तों को लेकर आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। रांची के 1350 राम भक्तों को लेकर आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई है। इसमें रांची लोकसभा अंतर्गत राम भक्त शामिल थे। ये सभी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने भगवा ध्वज दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आप सभी राम भक्त भाग्यशाली हैं कि चंद घंटों में आप अयोध्या में भव्य एवं दिव्य मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि राम मंदिर सिर्फ प्रभु राम का मंदिर नहीं बल्कि यह राष्ट्र का मंदिर है। 1992 में जब मैं अयोध्या गया था तब वहाँ प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ भव्य एवं दिव्य मंदिर बनकर तैयार है और भारत की संस्कृति राष्ट्रवाद को दुनिया के पटल में प्रकाशमय कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर देश के एक एक सनातनियों के साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट यूनियन ने राज्यपाल को सीजीएल पेपर लीक का सबूत सौंपा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उन्हें जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का सबूत सौंपा। साथ ही पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड को पकड़ने और सीबीआई जांच करते हुए जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आग्रह किया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूनियन के देवेंद्रनाथ महतो ने किया। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद श्री महतो ने बताया है कि राज्यपाल ने सकारात्मक पहल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुख्य सचिव को सभी मांगों पर सकारात्मक और निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। सबूत और मांग पत्र में सीजीएल पेपर लीक मामले की बिंदुवार विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। सबूत में सीडी और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी दिए गए हैं। बता दें जेएसएससी जूनियर इंजीनियर प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भी सोमवार को रिजल्ट जारी करने की मांग की है। झारखंड में 15 तक छाए रहेंगे बादल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सोमवार को सिमडेगा में हुई, वहां करीब 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजधानी रांची में भी देर शाम हल्की बारिश हुई। यह स्थिति 15 फरवरी तक रह सकती है। 16 फरवरी से मौसम के साफ होने का अनुमान है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार सोमवार को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार की शाम से मौसम बदल गया है। इससे राज्य के पश्चिमी, मध्य और निकटवर्ती पूर्वी भाग में हल्की बारिश हुई। 13 और 14 फरवरी को विक्षोभ का व्यापक असर झारखंड में दिखेगा। वहीं 15 फरवरी से इसका असर कम होने लगेगा, जो 16 से मौसम साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सी टेट व पड़ोसी राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस संजय करोल व जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्सल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में जनहित याचिका में आदेश पारित किया था। सी टेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्य से टेट पास करने वाले झारखंड का स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड में जेट के माध्यम से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत संबंध व अल्पसंख्यक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 43 विषयों के लिए जेट का आयोजन यूजीसी के मापदंड के अनुसार किया जाएगा। बता दें झारखंड में वर्ष 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था। परीक्षा की अब भी सीबीआई से जांच चल रही है। नए रूल के बनने से लगभग 17 साल बाद फिर से जेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। इसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। झामुमो ने दी आंदोलन की चेतावनी। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अपनी हिरासत में अमानवीय परिस्थिति में रखे हुए हैं। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की पीएससी के दौरान लगातार मीडिया ट्रायल भी किया जा रहा है। ईडी ने हमारे नेता हेमंत सोरेन को 13 दिनों की रिमांड पर ले लिया। उन्होंने कहा है कि ईडी को हमारे नेता से इतना खौफ है कि उन्हें तहखाने में रखा गया है ताकि वह घुट के मर जाए।
रोशनी में मत रखो ताकि वह अंधा हो जाए, आवाज न आए ताकि उनके सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। इस अमानवीय परिस्थिति में उनको रखा गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड में अभी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अब हम मुकाबला करेंगे। 15 फरवरी से पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे नेता के खिलाफ की गई साजिश की असलियत सामने नहीं आते। श्री भट्टाचार्य ने झामो कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही है। गिरिडीह में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर से सफलता हासिल की है। इस बार पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्तता के आरोप में 9 ऐसे साथियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। ये बजाज फाइनेंस कंपनी का कर्मी बनकर वर्क फॉर होम का झांसा देकर सेक्स टारसन के जरिए और स्कॉट सप्लायर बनकर पैसे ठगने का काम करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड बरामद किए हैं। मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। समाज और राज्य के विकास में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। घर संभालने से लेकर खेत खलिहान तक में योगदान दे रही हैं। घर से लेकर समाज तक में पुरुषों से ज्यादा योगदान दे रही है, इसलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल को सशक्त करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर एवं क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सोमवार को ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड इतना धनी प्रदेश है, लेकिन आज़ादी के बाद आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमारी सरकार सखी मंडल की महिलाओं को सहयोग राशि दे रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर। सोमवार को चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 25 अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब किसानों को कृषि ऋण ब्याज में 3 नहीं 4% की छूट मिलेगी। यह फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 1 साल के अंदर ऋण का भुगतान कर देते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के आवास निर्माण में राशि की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य में 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को डिप्लोमा कोर्स के लिए 15,000 रुपये देगी। इसका लाभ 3,000 छात्राओं को मिलेगा। वहीं 12वीं पास इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए 30,000 का राशि हर साल मिलेगी। इसका फायदा 1200 छात्राओं को होगा। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी ने कहा, सहयोग नहीं करते सच छिपाते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ईडी ने आरोप लगाया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ चल रहा है, उनकी जाँच में वो पूरी तरह से असहयोग वाला रवैया अपना रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि जिस जमीन को कब्जाने का आरोप सोरेन पर है, उसके राज खोलने की उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। जांच एजेंसी ने 48 साल के जेएमएम नेता को पीएमएलए कोर्ट में जज राजीव रंजन के समक्ष पेश किया था। जज ने हेमंत सोरेन को 3 दिनों की रिमांड पर भेजा है। ईडी की खुलासा, बड़गाई की जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की थी तैयारी। बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि और 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। सोमवार को दिन के 2:30 बजे उन्हें ईडी ने उन्हें पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया है। अदालत में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार और हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। बता दें, ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट के सबूत मिले हैं। रिमांड पिटीशन में ईडी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बड़गाई अंचल की विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 4 दिनों के पुलिस रिमांड देने का आग्रह किया। रांची स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के आवास पर खर्च होंगे 114.47 करोड़।
झारखंड की राजधानी रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इस पर 114.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी है। कैबिनेट सचिव ने बताया है कि कैबिनेट मंत्रियों के आवास के निर्माण पर आने वाला अनुमानित खर्च 59.90 करोड़ रुपये था। अब यह खर्च बढ़कर 114.47 लाख 21 हजार 100 रुपये हो गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा जो 2 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बजट सत्र संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है। इस दौरान 7 कार्य दिवस होंगे। कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 23 फरवरी को राज्यपाल द्वारा जिन अध्यादेशों की स्वीकृति दी है उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट के व्यय विवरण दिया जाएगा। वहीं 24 और 25 फरवरी को अवकाश रहेगा। तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद 27 फरवरी को वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश होगा। डॉक्टर अर्चना कुमारी को मिला योगिनी अवार्ड। रांची के योग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी को योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान परमार्थ निकेतन ऋषिकेश उत्तराखंड और एंडू गर्ल लाइफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। भारतीय योग संघ के सचिव डॉक्टर सुबोध तिवारी ने सम्मान दिया है। डॉक्टर अर्चना कुमारी झारखंड की एकमात्र ऐसी उम्मीदवार थी जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। नीलेंदु कुमार बने सीसीएल के नए सीएमडी। नीलेंदु कुमार सिंह सीसीएल के नए सीएमडी होंगे। सोमवार को लोक उद्यम चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के बाद उनके नाम की अनुशंसा कर दी है। नीलेंदु कुमार सिंह वर्तमान में ईसीएल के डीटी के पद पर कार्यरत हैं। सीसीएल का सीएमडी चयन करने के लिए कोयला सहित विभिन्न पब्लिक सिलेक्शन इंटरप्राइजेज बोर्ड ने 12 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। धन्यवाद।